देखिए ये अलकायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। और जो अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत के बजाय मुसीबत हो, उसके बारे में आपको समझना होगा कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में दुनिया के सभी धर्मावलंबी रहते हैं, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, यहूदी हों, या जितने भी दुनिया के धर्म आप गिन लीजिए हिंदुस्तान में रहते हैं। और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा यहाँ महफूज भी है और मजबूत भी है। और इसलिए जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडे के चक्रव्यूह में कुछ लोग फंस रहे हैं, उन्हें एक बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत, अनेकता में एकता की ताकत को कोई कमज़ोर कर ही नहीं सकता। तो ये जो सेलेक्टिव मानवाधिकार की बात जो लोग कर रहे हैं और जहाँ पर मानवाधिकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अल्पसंख्यकों का खुलेआम कत्लेआम और जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा है, उस पर आंख बंद किए हुए हैं। हिंदुस्तान के जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको समझने के लिए इन अज्ञानियों को हिंदुस्तान की तारीख को और हिंदुस्तान की तस्वीर को देखना होगा, समझना होगा।